ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। इस संबंधी जदों सूचना अमृतसर दिहाती पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के वलों तुरंत इन्हों तिना लुटेरिया काबू किया गया। इन्हों को एक पुलिस की वर्दी, खिडौना पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई। इन्हों को 31,700 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इस संबंधी पुलिस अधिकारियों का की कहना, आओ जरा सुन लें। तुम सब पता ही है कि थोड़े दिन पहले 9 तरीक 9 दिसंबर में मजीठा थाना एरिया एक वारदात हुई सी, जिदे विच एक कबाड़िए कुछ बंद ने संपर्क किया। ये कह के तेरे को असी स्क्रैप खरीदना, तू सानू फलाने पॉइंट ते आके मिल। उन्हें बुलाया गया, जो उसे पहुंचा उत्थे पुलिस यूनिफॉर्म च मुलायम सीगे 2 और बाकी जिहड़े सीगे सिविल सीगे। मरदा गड्डी जाए उन्होंने गलीबात ला ला के हौली जी अपनी गड्डी बिठा लिया। वो कुछ कैश लै गए, कुछ अपना वो नाल कैंटर लै गए। फिर उन्होंने बिठा के उन्होंने गड्डी उन्होंने कैश खोले, उन्होंने को एक को तकरीबन 27,000 रुपया, एक को 5,000 रुपया और मोबाइल उन्होंने लैके उन्होंने गड्डी बिठा के नाल लै गए। रात धमका के पिस्तौल की नोक से फिर दौड़ गए और असी थाना मजिठा च परचा दर्ज किया। जो असी मजीद इस बारे पता किया, सूँ पता चलिया कि इस नाल दे कुछ होर क्राइम जोड़े है वो इस एरिया के नाल ना लगते थाने तरन तारण बटाला और साढ़े एरिए छोए ने, जिते ही मोटर स्पेंडी सी किसी ना किसी बंदे खास तौर पर 2 कबाड़ियों कुछ होर बंदे बुलाया गया कि तुसीं साडे नाल आके डील करो। वो भोले भाले लोग उन्हां दी गल्लां चा के डील वास्ते चले गए। तो डील वास्ते गए, उन्होंने डरा धमका के उन्होंने पैसे खोले, पाउच खोलिया। रॉबरीज होंदिया असी हमेशा उन्होंने सीरियसली लैने और पुलिस का फर्ज भी बनता कि कोई भी क्राइम होए उन्होंने ट्रेस किया जाए। बट चूंकि इस क्राइम च एक बड़ी नोटिसेबल चीज़ आ रही थी कि पुलिस की यूनिफॉर्म पा के क्रिमिनल का वारदात करना, ये 2 चीज़ा सी कि जहाँ तो क्रिमिनल बहुत डेयरिंग ने, दूसरा ये पुलिस की बदनामी सी कि वाई इन पुलिस यूनिफॉर्म क्राइम हो रहा, क्यों इस तरह हो रहा है। सो मैं इस केस में ट्रेस करने वास्ते एक अपने ऑफिसर की स्पेशल ड्यूटी लगाई, जिस SPD मनोज ठाकुर, DSP मजीठा मिस्टर मनमोहन सिंह, इंस्पैक्टर SHO मजीठा बिंदरजीत सिंह और इंस्पैक्टर CIA अमनदीप सिंह। और मैं बहुत खुशी है कि इस टीम ने बहुत मेहनत करके बहुत जल्दी इस केस में ट्रेस कर लिया। असी 3 दोषी हूँ तक असी गिरफ़्तार कर ले है। उन्हां कोलों असी जिहड़ी पुलिस यूनिफॉर्म आ वो भी असी बरामद कर लिया और होर भी समान बरामद किया। लुटिया कुछ कैश भी असी बरामद कर लिया है। बाकी उन्होंने पूछगिछ जारी है। वो साढ़े को अजे तक 4 तो 5 वारदातां जिहड़ियां इस एरिए कीतियां उन्होंने बॉर्डर रेंज दे विच वो मन गए ने। कुछ साथी इन्हां दे हजे फड़न वाले ने जिन्हां वास्ते पुलिस पार्टी तुसीं भेजियां और रेड कर रही ने। जिमें उन्होंने बारे सानू इतलाह मिली या असी रेस करेंगे तुहानू दस सकदा। ये 3 आदमी ने, इन्हों नाम ने हरजिंदर सिंह उस जिंदा पुत्र पुनू सिंह, ये रहने वाला है पंडियाल रणगढ़ थाना घरिंडा। ये साडा मुलायम सीगा साबका, 4 IRB चों ये साढ़े डिसमिस होया और यूनिफॉर्म ही पाता सीगा। जो क्राइम होया उदों मैनूं शक सीगा कि जिहड़ा ये क्राइम यूनिफॉर्म चो रहा हो ना हो, इस कोई ना कोई साबका मुलाजम जरूर होएगा। सो असी उस लीड के उस थ्रू से काम किया। दूसरा हैगा राजकुमार पुत्र चरणदास वासी पुराना नारायणगढ़,
तीसरा है गुरमीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह वासी मीरी पीरी अकैडमी रोड बाबा दीप सिंह कलोनी छियाटा। ये तीन असी गिरफ्तार कर ले ने। इन्हों तो असी 31,270 रुपये इन्होंने इन्हें हूं तक वारदा की। एक हरप्रीत सिंह हैप्पी को 31,270 रुपये खोए इन्होंने। वेरके पुल हेठ कबाड़िए को 61,000 रुपया खोया इन्होंने। पिंड बुड़ू कबाड़िए को 60,000 रुपया खोया इन्होंने। पिंड थांधे लागू कबाड़िए पासों 45,000 खोया। सो बेसिकली एक कबाड़िया ही टारगेट करते थे कि वो स्क्रैप लैन वास्ते कहीं भी चले जाते हैं इन्हों की गलों चाह के। सो दे वर ईजी टारगेट्स फॉर दैम। ये फिर लुट के पैसे आपस डिस्ट्रीब्यूट करते थे नशिया का नशे नुशे करते हैं तो जो पैसे से नशे वास्ते अपने ये इस्तेमाल अपने कर लेंगे को। वैपन कोई इन्हों को एक तो सर मिले हैगा खिलौना पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल मिले हैगा, 6 मोबाइल फोन मिले ने, एक हीरो हांडा मिले हैगा पैशन मोटरसाइकिल, एक सू कार ब्रीजा मिली है। ये असी हूँ तक इन्होंने को बरामद कर लिया गया है। वो असं चेक कर रहे हैं हजे सानू उन्हां बारे कोई डिटेल हासिल नहीं हुई, बट डेफिनेटली ये क्राइम पहले भी करते रहे हैं ये बनने इस गल। हाँ जी हरजिंदर पाँदा सीगा जी, बाकी जी असं होर फड़ांगे तो सानू होर क्लैरिटी होगी हैगी है। पर जो बेसिकली इन्हों का जो किंग पिन है गुरमीत सिंह जो है पुत्र बलवंत सिंह वो इस ग्रोह का सरगना वो किंग पिन है, वो अपना इस क्राइम का मास्टर है। इस सारी प्लैनिंग सारा ग्रोह इकट्ठा करना सारे क्राइम करना वह काम से। हाँ जी टोटल किन्ने जने क्राइम करते सर? ये 5 तो 6 जने सी जी, 5 तो साड़ी डेरोगेशन च क्लीयर हो गए ने, शायद 6वां भी होए, बट वी आर ऑन द जॉब। ये असी कल ही फड़े है। सो हजे इन्हां नूं पेश करांगे, रिमांड लवांगे इन्हां दा, होर पुछगिछ करांगे, फिर जो सानूं चीज़ नज़र आई वो असी करांगे। तां पंजाब दे विच जिहड़ियां वारदातां लगातार वधदियां जा रहियां ने, बदमाशां च हौसले लगातार वधदे जा रहे ने कि उन्हां नूं पुलिस दा पूरा खौफ ना रहा। ते हुण तां पुलिस मुलाजम भी अजिहियां वारदातां च अपना हिस्सा पाउण लगे ने। फिलहाल वेखणा होएगा कि इस मामले दे विच पुलिस दे वल्लों की एक्शन लिया जांदा है।